मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होने वाली है, कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। कई महत्वपूर्ण फैसलों पर डिसीजन लिए जा सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से इस मुलाकात के बाद कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस वक्त आए हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चाएं हो सकती हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं, जिसके बाद कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। कई अहम मुद्दों पर यह चर्चा हो सकती है। दिल्ली दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस वक्त गए हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं होने वाली और कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। इसी खबर पर हमारी संवाददाता निकिता शरीन हमारे साथ मौजूद है। निकिता, इस मामले पर क्या अपडेट है, किस लिए मुलाकात हो रही है और क्या बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं भूपेंद्र चौधरी का, तो आज दिल्ली दौरा है। और वहीं अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे और उसके बाद ही दोपहर करीबन 2 बजे के बाद वो दिल्ली रवाना होंगे, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और उत्तर प्रदेश में संगठन में बदलाव को लेकर के चर्चा करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में होने वाले जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसको लेकर भी संगठन के चेहरों पर चर्चा होगी। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि 40 से ज्यादा जिले और महानगर अध्यक्ष जो है उन्हें भी बदला जाना है, उस पर भी चर्चा होगी। सभी जिलों में बीजेपी ने अपने ऑब्जर्वर्स भेजे थे। साथ ही आपको बता दूं कि ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के आने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार होना है, उसी पर ये तमाम चर्चा होनी है। जिसके चलते आज अगर मैं बात करूं प्रदेश अध्यक्ष की, तो वो दिल्ली दौरे पर वो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार लोकसभा चुनाव के पहले जो दौरे हो रहे हैं, लगातार जिस तरीके से बीएल संतोष आए थे, अब फिर से जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो दिल्ली जा रहे हैं। तो तमाम चर्चा है जिस पर चर्चाएं होनी है। तमाम ऐसे जी निकिता, आप हमारे साथ बने रहिएगा, यह बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में बीजेपी के पसमंदा स्नेह यात्रा रद्द हो चुकी है। जेपी नड्डा ने राजस्थान दौरे की वजह से यह यात्रा रद्द हुई है। अब मोहर्रम के बाद 1 अगस्त से शुरू होगी यह यात्रा। आज से शुरू होने वाली थी बीजेपी की यह पसमंदा स्नेह यात्रा, मोहर्रम के बाद अब शुरू होने वाली है। जेपी नड्डा के दौरे को देखते हुए यह यात्रा जो है यह रद्द कर दी गई है। हमें पता है पसमंदा मुसलमानों को बीजेपी अपने पक्ष को लेकर पसमंदा मुसलमानों को साधने की कोशिश कर रही है। जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे की वजह से यात्रा रद्द कर दी गई है और अब मोहर्रम के बाद ये यात्रा की जाएगी। एक अगस्त से शुरू होगी ये यात्रा। आज से शुरू होना थी बीजेपी की पसमंदा स्नेह यात्रा, जिसे रद्द कर दिया गया है। मोहर्रम के बाद ये यात्रा शुरू होने जा रही है। जेपी नड्डा के दौरे के कारण इस यात्रा को रद्द कर दिया गया है। दिल्ली में बीजेपी की पसमानंद मुसलमानों को लेकर यह यात्रा की जा रही थी। इसी खबर को लेकर हमारी संवाददाता निकिता हमारे साथ मौजूद है। निकिता, इस मामले पर क्या जानकारी है, यह यात्रा क्यों रद्द कर दी गई है, क्या यह दौरा ही इसकी वजह है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो पसमानंदा स्नेह यात्रा है, जिसका काफी हाईलाइट थी यह यात्रा, उसको रद्द कर दिया गया है। कुछ कारण के चलते इस यात्रा को रद्द कर दिया है। आपको ये बता दूं कि यात्रा निकलने की जो तारीख है वो अभी निर्धारित नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जो पसमंदा यात्रा है उसे आज से शुरू होना था, जिसके चलते अल्पसंख्यक मंत्री जो है दानिश आजाद अंसारी की अगर मैं बात करूं, या अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष है बासित अली, वो सभी लोग दिल्ली में मौजूद भी थे। और ये बता दूं कि फिलहाल जो जेपी नड्डा का राजस्थान दौरा है उसकी वजह से ये यात्रा को रद्द कर दिया गया है। अब मुहर्रम के बाद यानी 1 अगस्त से ये जो पसमंदा स्नेह यात्रा है, जिसमें सभी मुसलमानों को बैकवर्ड मुस्लिम को फोकस किया जा रहा है जोड़ने के लिए, और किस तरीके से लोकसभा में इन मुस्लिम को भी वोट जुटा सके, उसको लेकर के जो स्नेह यात्रा है वो फिलहाल 1 अगस्त से होनी है, क्योंकि जेपी नड्डा का दौरा था और यही एक वजह बताई जा रही है जो यात्रा को रद्द कर दिया गया है। निकिता, पसमंदा मुसलमान बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा माने जाते हैं, इस समय पे ये यात्रा रद्द करना ये क्या संदेश देता है, और क्या कुछ चेंजेस के कारण ये यात्रा रद्द की गई है, या फिर जेपी नड्डा के दौरे को देखते हुए ये यात्रा रद्द की गई है?
देखिए सबसे पहला जो एक अहम मुद्दा यही है कि जो नेशनल प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा की अगर मैं बात करूं तो उनका राजस्थान का दौरा था, जिस वजह से इस यात्रा को रद्द कर दिया गया है, क्योंकि काफी बड़े पैमाने पर यह यात्रा होनी थी जिसका आज आगाज होना था, लेकिन अब मुहर्रम के बाद फिलहाल 1 अगस्त को यह यात्रा शुरू होनी है, क्योंकि जो जेपी नड्डा का राजस्थान का दौरा है वो भी एक अहम बताया जा रहा है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट दिल्ली में मौजूद है, तो फिलहाल इस यात्रा को यही कुछ कारण है जिसकी वजह से रद्द कर दिया गया है और 1 अगस्त से फिर से इसका आगाज होगा, क्योंकि पसमांदा समाज भारतीय जनता पार्टी को साथ लेकर के पसमांदा समाज को लेकर के चल रही है भारतीय जनता पार्टी और हर जी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद निकिता। हम